राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। सीधी, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के साथ छलवा हो रहा है। पूरे प्रदेश के किसानों की खेती नष्ट हो गई है। उड़दा, मूंग, तिली, सोयाबीन, यहां तक धान बची हुई थी। वर्तमान में धान में रोग लग चुका है, लेकिन सरकार किसी प्रकार से कदम नहीं उठाती है। इसी प्रकार का एक मामला सीधी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंझगवा निवासी मिथिला प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा यह बताया गया। हमारे यहाँ की पूरी फसल नष्ट हो गई है, लेकिन आज तक के पटवारी तहसील द्वारा जांच नहीं किया गया है। मजबूरन हम लोगों को खेत जोत आना पड़ा और बची जो धान थी वो भी मवेशी खा गए। जो मवेशी से बची उसमें रोग लगा है। हम समस्त ग्रामवासी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि तत्काल धान की जांच की जाए। वहीं पटवारी से पूछा गया कि महोदय द्वारा यह कहा गया, मौखिक रूप से किसान कहे कि शासन एवं तहसीलदार से ऐसा कोई आदेश नहीं है, मैं जांच कहा से कर दूं, एवं गांव के अन्य किसान द्वारा भारी चिंता व्यक्त किए हैं। यहां तक कहा गया मेरे लड़के बच्चे सब भूखन मर जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से केदारनाथ तिवारी जी, शंभू सिंह परिहार जी, राजीव लोचन तिवारी जी, मुन्ना लाल तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, दिनेश तिवारी, गिरजा प्रसाद तिवारी, राजभान तिवारी, श्री राममणि द्विवेदी, विश्वनाथ तिवारी आदि मौजूद थे। सर, आप ग्राम पंचायत मझगवा के पटवारी हैं और आज तक सर्वे नहीं हुआ, लोगों ने विवश होकर अपना खेत जोत लिए और ये धान में जो रोग लग गया है उसका भी आप लोग सर्वे नहीं कर रहे हैं, ये कारण क्या है, स्पष्ट करिए। नहीं तो ऐसा है कि तहसील में ही आवेदन दे दीजिए जी, तो वहाँ से आदेश हो जाए कि माने सार्वजनिक तौर पर मतलब जो है तो धान में कीड़ा लगे हैं, तो मतलब धान से मतलब सर्वे तो हम लोग सर्वे मतलब कर लें, कीड़ा की कोई आरबीसी के तहत जो है जी, तो उसका ओका तो मतलब उसमें आता नहीं जी। और धान के कीड़ा जैसे फसल प्रधानमंत्री फसल योजना मतलब है, अगर बीमा मतलब अगर किसान कर ये होते तो उसमें से कुछ मतलब है इनको लाभ मिल जाता। और इस साल तो खैर के कीड़ा तो बहुत लगे हैं, लेकिन दे दीजिए आवेदन तहसील में ही कर दीजिए, आदेश हो जाएगा तो हम सर्वे कर देंगे जी। ये मेरा कर्तव्य नहीं, मैं मीडिया से हूँ, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि गांव गांव में जाकर आपसे निवेदन कर रहे हैं कई लोग, ऐसे बताया गया, मिथिला प्रसाद द्विवेदी जी बताएं और अन्य लोग केदार तिवारी जी बताएं, इसके पहले कई मतलब वो हुआ उड़दा की और अन्य फसलें जो भी हैं सब नष्ट हो गई, मजबूरन खेत जब पड़ने लगा तो जुतवाने का काम किए और आज तक आप लोग कुछ नहीं किए, तो इसमें आप क्या स्पष्ट करेंगे? शासन के सार्वजनिक तौर पर माने पूरा मतलब 100% जांच करने का आदेश नहीं था। अब जिसका नुकसान हुआ है आवेदन कर दें कि मतलब हमारे धान जैसे धान में मतलब कीड़ा से जो हमारी धान की फसल नष्ट हो गई तो सर्वे हो जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं धान की फसल, लेकिन उड़दा मूंग जो है जिसका पर गया वो जुताई न करे, क्या ऐसा किसान पड़ा रहे? नहीं हो पाए, नहीं तो कैसे फसल लेगा भाई, जब आप लोग सर्वे नहीं कर रहे हैं। अगले आदमी आदेश हो जाएगा तो कर देंगे। कब आदेश होगा, जब साल भर बाद होगा कि अभी होगा? आवेदन करवा दीजिए लोग बागों मतलब जिनका है ना, तो सार्वजनिक तौर पर हो जाए। अच्छा, आप लोग को दिख नहीं रहा है, आप पटवारी हैं यहाँ, आप लोग की ये दिखता नहीं है। आप पटवारी का मतलब क्या होता है, आप लोग गाँव गाँव भागते हैं तो आपको नहीं दिखता कि उड़दा मूंग, और यहाँ नहीं देखते कि प्रकृत आपदा, और इसके पहले प्रकृत ने तो घाम करके वो किया, मतलब धूप करके वो किया, वर्षा नहीं हुई, उसके बाद वर्षा हुई अत्यधिक, जिसमें अत्यधिक नुकसान हुआ है लोगों का, तो आप लोग तो ये यहाँ नहीं रहते क्या भाई? आज तक जो हो गया, अगर किसी का नुकसान ही हुआ होता है आज 2 माह से जी, तो आवेदन करते आज तक कोई आवेदन ही नहीं किया, माने किया मतलब कि हमारा माने फसल नष्ट हो गया है जी। तो अगर आज कह रहे हैं जी, तो आवेदन करवा दीजिए गांव से जी, हम सार्वजनिक तौर पर मतलब सर्वे करके रिपोर्ट दे देंगे। क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आप लोगों को यह कोई निर्देश आदेश है? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि माने पूरे जिला का पूरे तहसील ब्लॉक में हर माने गाँव व सार्वजनिक तौर पर मतलब एक जांच करके मतलब एक पटवारी निवेदन देने का, ऐसा कोई आदेश। सीधी से ब्यूरो चीफ तेज बहादुर सिंह परिहार की रिपोर्ट। राजधानी ब्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यू।